के अंदर अपने आप आ गया कि सिद्धों के अलावा जितने भी कुदेव हैं, अर्थात पहले मैंने सिद्धों का स्वरूप जाना कि जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम गति जिसकी आई है, जिसने आठों कल्पों का नाश किया है, जिसने संसार का नाश किया है, वो सिद्ध है। तो ऐसे सिद्धों को जब मैं नमस्कार करता हूं तो इट्स इंक्लूडेड कि मैं बाकी के जितने भी कुदेव हैं, कुगुरु हैं, उनको मैं नमस्कार नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि वास्तव में सिद्ध ही वास्तविक भगवान है, उनका ये स्वरूप है, और इस स्वरूप के अलावा जितने भी देव हैं, मैं उनको नमस्कार नहीं करता हूं, मैं उनकी पूजा नहीं करता हूं। कि मैं मतार्थ में क्या आता है, अपने मत के द्वारा सामने वाले के मत का खंडन करना, मतलब अपने सिद्धों के अलावा जितने भी भगवान है मैं उनको नमस्कार नहीं करता हूं। और सबसे अंत में भावार्थ, हमने सिद्धों को नमस्कार किया तो वास्तव में देखिए भावार्थ हमेशा अपने ऊपर के लिए आता है। भावार्थ हमेशा किसके लिए? अपने लिए। भावार्थ में हमेशा अध्यात्म की मुख्यता होती है, भावार्थ में हमेशा अध्यात्म शैली की मुख्यता होती है। तो भावार्थ किसके लिए? कि मैंने ये जो सिद्धों को नमस्कार किया, ऐसे सिद्ध वास्तव में जो पूर्ण शुद्ध द्रव्य जो सिद्धों का है, ऐसा ही पूर्ण शुद्ध द्रव्य किसका है? मेरा है। प्रवचन सारे से भी खत्म आता ना कि ऐसा ही सिद्धों का अनंतों का स्वरूप, ऐसा सिद्धों का स्वरूप किसका है? मेरा है। तो वास्तव में मैं सिद्धों को नमस्कार किस लिए कर रहा हूं? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं सिद्धों को वास्तव में नमस्कार करता हूं। समझ में आया? कौन कौन सा है? पहला शब्दार्थ, दूसरा आगमार्थ, तीसरा नयार्थ, चौथा मतार्थ और पांचवा भावार्थ। ये पांचों क्या है? शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। ये पांचों किसमें आते हैं? शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। कि जिनवाणी में जो कोई भी बात लिखी है उस बात को अगर हम समझते हैं तो ये पांच क्राइटेरिया है उसका, कि इन पांच क्राइटेरिया के द्वारा हम उस चीज को क्लैरिफिकेशन उसका करते हैं। शब्दार्थ, नमो नमस्कार सिद्धांत सिद्ध भगवान को, आगमार्थ दूसरे ग्रंथों में उसका कैसा स्वरूप बताया है, नयार्थ व्यवहार और निश्चय के द्वारा, मतार्थ उसके वास्तविक स्वरूप को समझ के दूसरे मत का खंडन, और भावार्थ कि वास्तव में किस प्रयोजन से, भावार्थ में अपना प्रयोजन कि किस प्रयोजन से मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, वो प्रयोजन भावार्थ के अंदर आता है। क्लियर? अभी किसी को डाउट है? अब फीडबैक फॉर्म में तो नहीं लिखोगे? चलिए रख करो। चलिए आज का अपना टॉपिक है विश। मैं कुछ और लिख रहा था, हाँ मैं तीन लोग लिख रहा था, आप लिखिए विश्व का स्वरूप। विश्व का डायग्राम तो सबने देखा ही होगा, सबने देखा ना? हाँ। ऐसा होता है? अरे क्यों, यूनिवर्स ऐसे ही तो होता है, राउंड ही तो होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स राउंड है ना, तो कैसा है? ऐसा तो राउंड ही होता है ना। यूनिवर्स ऐसा है ना, कैसा है? दरवाजे पे, अच्छा दरवाजे पे, दरवाजा नहीं खुला तो आप विश्व में नहीं घुसोगे ना, दरवाजे पे अटक जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप। चलिए विश्व का स्वरूप सबको मालूम है, चलिए ड्रॉ कीजिए, मैं नहीं करता।
मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए सब अपना अपना ड्रॉ करिए, मेरा मत देखिएगा। सबसे चलिए इसमें नीचे लिखिए तीन लोग, क्यों तीन लोग? क्योंकि इसको तीन में डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं इसका। अब चलिए इसमें और एक चीज कर लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विश्व है, ये क्या है? विश्व है, पक्का? किसने देखा है बताओ? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ को किसने देखा? सर्वज्ञ को किसने देखा? अनादि अनंत। किसने देखा विश्व को? आचार्य ने देखा, आचार्य ने आगम में लिखा, उनने लिख दिया, हमने मान लिया, बस है ना। हाँ, सर्वज्ञ भगवान ने बोला था तो वो सही लिखा था, सही बोला होगा। अच्छा और कोई? हमने पाठशाला में तो देखा विषय, हमने पाठशाला में देखा विषय कैसा है। अच्छा उसके, अच्छा वास्तव में किसी ने विषय देखा है? किसने देखा? वैसा आप खड़े रहेंगे। अच्छा ऐसा वो तो आपने पुरुष को देखा है खड़े हुए, विश्व को आपने देखा है क्या? सिंपल थिंग है, जो हमने देखा है उसका विश्वास करने का, जो देखा नहीं उसका विश्वास नहीं करने का, बराबर है ना? नहीं। बराबर है कि नहीं? नहीं। जो देखा है उसको मानने का, जो देखा ही नहीं उसको क्यों माने? पॉइंट समझ में आया कि हमने विश्व को देखा नहीं है तो हम क्यों माने कि ऐसा ही विश्व है? हम तो ऐसा भी मान लेंगे, हम तो ऐसा ऐसा भी मान सकते, कैसा भी मान सकते है ना। जब हमने देखा ही नहीं है विश्व को तो हम क्यों माने कि विश्व ऐसा ही है? बस सबसे पहला, हम किसके द्वारा देखते हैं? हम किसके द्वारा देखते हैं? किससे देखते हैं? ज्ञान से देखते हैं। लेकिन अभी ज्ञान किसके अवलंबन से देखने का कार्य करता है? आंखों के, चक्षु इंद्रिय के। मतलब अभी हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहा, अभी हमारा ज्ञान कैसा है? परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि वो किसी की सहायता, किसी की हेल्प ले रहा है। तो जो ज्ञान किसी की हेल्प लेता है वो ज्ञान फर्स्ट कभी पूर्ण नहीं होता। फर्स्ट थिंग, जिसमें किसी की भी हेल्प हो, जो ज्ञान किसी की हेल्प लेता है, जो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, वो वास्तव में पूर्ण ज्ञान नहीं है। और सेकेंड थिंग, जो चीज किसी की हेल्प से है, मतलब जो किसी के अवलंबन से जो ज्ञान हो रहा है, वो वास्तव में सत्य है और नहीं भी, इस चीज का भी कोई भरोसा नहीं है। रेगिस्तान में रेत चमकती दिखती है ना तो कैसा लगता है? पानी कि पानी है। या अपन ड्राइव कर रहे हो सड़क पे तो ऐसा लगता है ना, दूर सड़क पे आगे जाके क्या है? बिल्कुल पानी है, पानी है। सड़क पे ऐसा लगता है ना, बिल्कुल कोई हाईवे या रोड हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल पानी है। तो क्या वास्तव में वहाँ पानी है? नहीं। क्या है? पानी आंखों का धोखा है। तो इंद्रियों का ज्ञान, एक तो फर्स्ट थिंग कभी पूर्ण नहीं होता, और सेकेंड थिंग वो ज्ञान सच्चा हो या झूठा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहली बात, हमने सबको जाना नहीं है तो हम इस स्वरूप को झुठला नहीं सकते कि क्योंकि हमारा ज्ञान इतना सा है और ये तो इतना बड़ा है तो हमने देखा नहीं देखा उस चीज का प्रश्न इसमें, उस चीज का तर्क इसके अंदर नहीं आता है। फर्स्ट, सेकंड थिंग, सबसे पहले इस तीन लोग को जानने से पहले आपको सर्वज्ञ के ऊपर अपना विश्वास कायम करना होगा। जब तक आपका फेथ सर्वज्ञ भगवान के ऊपर नहीं होगा तब तक चाहे आप इस तीन लोग को गोल समझो, चाहे कैसा भी समझो, इसको आप मानने वाले नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट फेथ
सर्वज्ञ भगवान के ऊपर कि सबसे पहले आपको सर्वज्ञ भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा बनानी पड़ेगी, सर्वज्ञ के ज्ञान को अपनी श्रद्धा का विषय बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस तीन लोक का जो स्वरूप है उस स्वरूप को वास्तव में जान पाओगे। चलिए ये तो नक्की हुआ कि वास्तव में ये तीन लोक किसने देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है। वास्तव में तीन लोक किसने देखा है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है और उस ज्ञान को आचार्य ने जिनवाणी में बताया है। तो हमें सर्वज्ञ भगवान पे श्रद्धा है, सर्वज्ञ भगवान अर्थात जिन्होंने सबको जाना सब कुछ देखा तो हमें उन पे श्रद्धा है, इसके लिए हम ये तीन लोक का स्वरूप ऐसा मानते हैं। समझ में आया, ऐसे ही नहीं मान रहे हैं कि किसी ने बोल दिया तो मान लिया, ठीक है आगे बढ़े, रॉ किया है सबने। हाँ चलिए, ये तीन लोक है। अब इस तीन लोक में, इसको तीन लोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला क्या है, उर्दू लोक, ये क्या है मध्य लोक, और ये क्या है अधोलोक भी बोल सकते हैं, मेनली अधोलोक बोला जाता है, पाताल अपने में कम यूज होता है। हाँ, उर्ध लोक, मध्य लोक और अधोलोक, उर्ध मध्य और अधो, इस प्रकार से ये तीन लोक के डिवीजन है, इन तीनों को हम कंबाइन करके तीन लोक कहा जाता है। अब इस तीन लोक के बीच में ये जो दो लाइन खींची गई, ये लाइन क्या है, बोलिए बोलिए, प्रश्नाली, क्लास में बोलने में डरिए नहीं, प्रवचन में एक बार डरना, कहीं खड़ा नहीं कर दे, क्लास में नहीं डरना, क्लास तो होती है इसके लिए, आपकी क्वेरीज के लिए। ये जो दो लाइन खींची वो क्या है, प्रश्नाली। अच्छा, सबसे पहले आपकी जो अभी एक्टिविटी शीट थी उसके अंदर एक क्वेश्चन था लास्ट वाला कि ये तीन लोग का जो आकार है वो किन दो ग्रहों के आधार पे, हाँ बोलिए पूरा नाम बोलिए, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका। अच्छा, ग्रह कितने, छह, हाँ जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें कर लीजिएगा। हाँ, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका ये दो द्रव्य है, क्यों, क्योंकि यही दो द्रव्य का आकार, ये दो द्रव्य का आकार से ही, क्योंकि वो संपूर्ण जगह व्याप्त है, तो धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका इन दो के कारण ही, इन दो का आकार ऐसा है उसके कारण तीन लोग का आकार ऐसा है। समझ में, धर्मास्तिका और धर्मास्तिका का आकार इस टाइम थ्री डायमेंशन मतलब इस टाइप का है उसके कारण ये जो तीन लोक है वो तीन लोक का आकार ऐसा पुरुषाकार रूप में कहा जाता है। अच्छा, इसके बाहर क्या है, अलोकाकाश, इसके बाहर क्या है, अलोकाकाश, जो लोकाकाश आकाश के दो भेद करते हैं ना, लोकाकाश और अलोकाकाश, इसके बाहर जितना भी पाया जाता है वो क्या है, अलोकाकाश। ये त्रस नाली, ये जो बीच में लाइन खींची वो त्रस नाली। अच्छा, इसको त्रस नाली क्यों कहते हैं, क्योंकि त्रस त्रस इंद्रिय जीव इसमें रहते हैं। अच्छा, त्रस इंद्रिय में कौन कौन आता है, एक इंद्रिय के ऊपर एक इंद्रिय के ऊपर जितने भी हैं, दो इंद्रिय, चार, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी, वो सब क्या है, त्रस जीव है। तो वो त्रस जीव इस त्रस नाली में रहते हैं, इसके लिए इस त्रस इसको क्या कहा जाता है, इस नाली को क्या कहा जाता है, त्रस नाली कहा जाता है। समझ में आया, बहुत सिंपल है, सबने सुना भी है कि त्रस जीवों के रहने के स्थान होने के कारण इस नाली को त्रस नाली कहा जाता है। बराबर, इस तीन लोग के बाहर क्या है, अलोकाकाश। अब चलिए, इसमें हम सेवन डिवीजन करते हैं, कैसा भी बने घर पे जाके अच्छा बना लेंगे। Thank you.
भैया एक्चुअली उनका आज का होमवर्क ही ये है कि उनको घर से एक बहुत अच्छा प्रॉपर डायमेंशन के साथ चार्ट बना के लाना है। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको इस तीन लोग का थ्री डायमेंशन का चार्ट पूरा जितना समझाएंगे उतने क्लेरिफिकेशन के साथ बना के डालना है। आप जितना भी ज्यादा डाल सके उसमें हाँ, आप किसी ग्रंथ का रेफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं बट विद प्रॉपर डायमेंशन फुट रोलर मतलब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। प्रॉपर है सर इतना बड़ा ग्रंथ का नाम हम तो त्रिलोक सा है। हाँ बोलिए ये साइड का पार्ट क्यों है आपके दो ही आंख क्यों है तीन क्यों नहीं है आपकी नाक यहीं पे क्यों है हाथ में क्यों नहीं है इट्स अ सम काइंड ऑफ क्वेश्चन की जिसमें आप अपना पैर तो नहीं लगा सकते वो है तो वास्तव में देखिए ये खाली नहीं है। फर्स्ट थिंग तो अपन क्या सोचते हैं त्रस नाली मतलब जो फ्रंट में दिख गया वो त्रस नाली हम तीन लोग का स्वरूप ऐसा देखा है तो त्रस नाली भी फ्रंट में दिखती है कि मतलब एक पतली सी नाली है जबकि त्रस नाली उसमें आप उस डायग्राम में आप देखिए त्रस नाली आपको सेंटर में दिखेगी ये जो सेंटर में ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है ये वास्तव में क्या है त्रस नाली है त्रस नाली फ्रंट में नहीं है जैसे मिडिल ऑफ पूरे तीन लोग के जो सेंटर है उसके अंदर त्रस नाली है। अच्छा हाँ एक और चीज आपने जो अभी बोला कि सब जीव उसमें नहीं रहते हैं सिर्फ त्रस जीव उसमें रहते हैं जो बाकी स्थावर जीव है जो एकेंद्रीय जीव है वो उसके बाहर भी रहता है मतलब जो स्थावर जीव है वो यहाँ भी रह सकता है यहाँ भी रह सकता है यहाँ भी रह सकता है यहाँ कहीं भी वो रह सकता है तो वो भी रहते हैं ना तो उनको रहने की जगह चाहिए। हाँ हम त्रस जीव है हाँ अभी मैं बताऊंगा आप कहाँ हो बताऊंगा आप इसके अंदर कहाँ आओगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए ये आपने सेवन डिवीजन किया ये सात क्या है मैंने ये थ्रू आउट बनाया है नहीं ब्लू सेक्शन ओनली। चलिए उसके पहले एक और चीज इसके पहले एक और चीज करिए इसकी ऊंचाई कितनी है 14 राजू यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई 7 राजू और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई 7 राजू 7 और 7 टोटल 14 राजू होती है। मध्यलोक को अगर मध्यलोक कितना है एक हाँ एक भाई मध्यलोक कितना है 1,40,000 मध्यलोक कितना है 1,40,000। अच्छा तो आप ऐसा लिखिए चलिए ऐसा लिखिए सबसे पहले लिखिए अधोलोक अधोलोक की ऊंचाई है 7 राजू ठीक है उर्ध लोक कुछ कम 7 राजू सिर्फ माइनर कुछ कम 7 राजू और जो कुछ कम है वो कुछ कम आता है मध्य लोक के अंदर 1,40,000 योजन मध्य लोक कितना है 1,40,000 उर्ध्वलोक 7 राजू मध्यलोक 1,00,000 उर्ध्वलोक कुछ कम 7 राजू मध्यलोक 1,40,000 और अधोलोक 7 राजू ठीक है इसकी विड्थ कितनी है 7 राजू इसकी विड्थ कितनी है मतलब यहां से इसमें आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट कितना है 7 राजू और ये पार्ट वो भी 7 राजू है मतलब ये जो आपका डायमेंशन है लेंथ जो है वो लेंथ भी क्या है 7 राजू
लेंथ भी कितनी है? सात राजू, मतलब ऊंचाई 14 राजू विद 7 राजू, और जो 3D लेंथ है उसकी, वो लेंथ भी क्या है? 7 राजू। चलिए अब इसका क्यूब निकालते हैं कि टोटल विश्व का क्यूब क्या आएगा। इसमें ऊंचाई में एक और चीज देखिए, सॉरी विड्थ के अंदर एक और चीज देखिए, ये विड्थ सेम है, इसकी लेंथ सेम है, यहां भी इतनी है, यहां भी इतनी है, इतनी है, उसमें लेंथ उसकी सेम है, हाइट इसकी सेम है, हाइट सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन विड्थ इसकी यहां इतना मोटा है, यहां कम है, यहां इतना कम है, यहां इतना है, यहां इतना है। ये जो है ये एक राजू है, ठीक है, ये पॉइंट है 5 राजू, ये पॉइंट वापिस एक राजू, और ये पॉइंट वापिस 7 राजू, ठीक है, ये कितना हुआ। अब इसका अपन अगर अलग अलग निकाले तो 5 + 1 = 6, क्यूब कैसे निकालते हैं? 216 कितना हुआ? कितना हुआ? 3, ठीक है। अब ये तो क्या हुई इसकी सिर्फ इतने पाइप की हाइट, सॉरी हाइट, ये इसकी विद हुई हाइट, विद, हाँ। उसके बाद में 7 राजू इसकी क्या है? हाइट है, और 7 राजू इसकी क्या है? लेंथ है। तो कितना होता है? मैं आधे का निकालता हूँ, पूरे का नहीं निकालता हूँ। सेम थिंग्स डाउन साइड, 7 राजू प्लस 1 इज इक्वल टू 8/2, 4, 7 and 7, प्लस 343। इस लोक का घन, इसका क्यूब अगर निकाला जाए, अगर टोटल इसका हर एंगल से इसका क्यूब निकाला जाए तो 343 घन राजू से 3 लोक का क्यूब वॉल्यूम लिख लीजिए। चलिए इसका ये भी एक मेथड है, ये लिखना तो लिख लीजिए, मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको, दो लिख लीजिए, एक लिख लीजिए। ये हमने हाफ हाफ का निकाल के उसको प्लस किया है, हम इसका पूरा भी एक साथ निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड मैं इसके अंदर लिखता हूं, इन 4 का टोटल करिए, 7 + 1 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 1 = 14, 14 कितने पॉइंट्स थे? 4। ठीक है, इसकी हाइट भी 14 है ना, इसका ये 14 है तो इसकी हाइट भी 14 है ना, 14। ये इसकी विड्थ है, ये जो फर्स्ट है इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी लेंथ है। समझा, ये सेकंड मेथड समझा, 7 + 1 = 8, 8 + 5 = 13, 1 = 14, और 4 पॉइंट्स था तो 4 किया, इसकी टोटल हाइट 14 है, इसकी लेंथ 7 है, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 and 7, 2 को इसको किया 7 7 7, और इसे 343 क्यूब वॉल्यूम।
क्लियर सरल है ना एकदम स्वामी भाई के लिए तो सरल ही है। चलिए आगे बढ़े। हाँ एक राजू का अगर मैं प्रमाण बताऊंगा तो तुम भाग जाओगे यहाँ से इसके लिए नहीं बताऊंगा। बहुत चीजें आती है उसमें पल्ले उससे उससे दांगुल फिर उत्सांगुल फिर बहुत कंटिन्यूस उसके अंदर इतना चीजें आती है कि आप उसको अभी आपके उसमें वैसे दिया है थोड़ा बहुत चैप्टर को पढ़िएगा तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। लेकिन एक राजू को अपन बोले ना करोड़ों टू करोड़ मल्टीपल बाय करोड़ बाय मल्टीपल करोड़ 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 तो भी वो एक राजू को क्लियर नहीं कर पाएगा इतना ज्यादा उसकी डिजिट हो जाएगी इसके लिए क्योंकि पहले पल्ले आएगा फिर अध्या पल्ले आएगा फिर उद्धार पल्ले आएगा फिर अंगुल आएगा फिर घनांगुल आएगा उत्सेदांगुल आएगा फिर पंडिती आएगी फिर उसमें इतनी चीजें आएंगी कि सही में आप भाग जाओगे किसके लिए वो हम धीरे धीरे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे फिर से अगर ये हमारी बिल्कुल पहली स्टेज है जिसके लिए अभी हम नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हम उसके ऊपर भी धीरे धीरे जब अपन स्पेशल कोई क्लास रखेंगे जिसमें हम सिर्फ तीन लोग के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे जो तीन घंटे की हम क्लास रखेंगे उस पर हम वो सब चीजें भी उस पर क्लियर करेंगे। अभी वापस अपने तीन लोग पे आते हैं। ये मैंने जो अभी तक समझ में आया तीन लोग अब आगे सबसे पहले ऊपर के हाफ को भूल जाओ सबसे नीचे को ध्यान में रखो। अच्छा अभी तक मैंने इसमें क्या गलती की है कोई बताएगा मुझे इसमें और क्या होना चाहिए था जो अभी तक मैंने नहीं बनाया। अंदर के पार्ट को छोड़ दो बाहर बोलो चिल्ला अंदर के पार्ट को छोड़ दो बाहर बोलो तीन जो वाद वाले होते हैं मतलब देखिए हाँ ये क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपको ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना थ्री ये है वलय इसके बोलते हैं वात वलय। क्या बोलते हैं वात वलय। वात मतलब वायु और वलय मतलब घेरा सर्कल। वात मतलब वायु सॉरी एटमोसफेयर में टोटल काफी एलिमेंट्स आ जाते हैं। वायु सिर्फ यहाँ पे वायु है बाकी कुछ भी नहीं। वायु का घेरा मतलब इस तीन लोग के चारों तरफ तीन वायु के घेरे हैं। इस तीन लोग के चारों तरफ कितने हैं मैंने एक ही बनाया है आप तीन बना लेना घर पे बना लेना उससे कोई पार। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि हम लोग इस त्रस नाली में ही रहते हैं। त्रस नाली के बाहर जाने का हमारा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। एक इंद्रिय जीव इसमें रहते हैं एक इंद्रिय जीव इसमें भी रहते हैं एक इंद्रिय जो जीव है वो इसमें भी रहते हैं और हम भी इसके अंदर रहकर आए हैं। हम भी जब हम एक इंद्रिय बने उसके बाहर नहीं जाते क्योंकि जो सबसे पहले डिविजन किया था कि द्रव्यों के आधार पे जो ये डिविजन किया है द्रव्य इस आकाश के बाहर कहीं भी नहीं रहते हैं। जो द्रव्य है वो आकाश के इन तीन लोग के बाहर कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। ये सिद्धांत है ठीक है। ये तीन तरह के वात वलय हैं। आप नाम घनोदधि वात वलय घनोदधि फिर घन वात वलय और तनु वात वलय घनोदधि वात वाले घन वात वाले और तनु वात वाले। लोग का वजन तो इतना ज्यादा होगा तो ये वात वाले कैसे सपोर्ट करती है। देखिए सबसे पहली बेसिक चीज तो ये तीन लोग किसी के आधार पे नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो ये तीन लोग किसी के आधार पे नहीं है लेकिन फिर भी अगर समझाने के लिए कहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये तीन लोग इन वायु के घेरों के आधार पे टिका हुआ है। तो वायु का घेरा ऐसा नहीं है कि इतनी कोई पतली सी चीज हो। ये वायु योजनों की योजन की इसकी मोटाई है इतनी इसकी मोटाई है और ऐसे तीन परत है तो आराम से वो इतने स्ट्रक्चर को अपने मतलब इसके आधार से वो आराम से तीन लोग को अपने उस पे रख सकते हैं। ये समझे तीन बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ नाम नाम क्लियर कर रहे हैं हमें डिटेल में किसी के अभी जाना नहीं है। घनोदति वात वाले घन वात वाले और
तनुवातल है। चलिए थोड़ा अंदर आते हैं, ये जो थ्री डायमेंशन की थ्रस्ट प्रणाली, अच्छा ये सात क्या है? ये सात क्या है? ये सात क्या है? पृथ्वी। ये सात नरक पृथ्वियां हैं, नरक नहीं है। क्लियर करना, ये बात हमेशा आप सब लोग गलती करते हैं, क्योंकि मैंने पूरा बनाया है, मैंने फुल थ्री लोग को कवर किया है। जो ये तीन लोग को कवर करे वो पृथ्वी होगी, और नरक जो होगा वो सिर्फ त्रसनाली में होगा। नरक जो है वो सिर्फ त्रसनाली में, इसका नाम रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, दम प्रभा और महातम, तमय और महातम है ऐसा। अपने दरवाजे पे सब नाम लिखा हुआ है, ये पृथ्वी है भैया। अपने दरवाजे पे सब नाम लिखे हैं? हाँ, दरवाजे पे सब नाम लिखे, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ऑलरेडी 10-5, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमय प्रभा, महातमय प्रभा, शर्करा, शक्कर होती है ना, का काफी रा की मात्रा, रा और आ, शर्करा। ये सब हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये चार्ट हम मेल कर देंगे, ये पूरा पूरा चार्ट मेल कर देंगे, इसमें जितना जितना आपको, हाँ सबने वो बंद कर दी, कोई बात नहीं, कर दीजिए। भव्य भाई का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, आप होमवर्क सबमिट, हाँ, सबमिट करेंगे उसके बाद, आप उसमें किसी भी बुक का आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर दरवाजे पे देख सकते हैं, दरवाजे पे देख सकते, रोज मंदिर आइए, दरवाजा देखिए। ये सात नरक पृथ्वियां हैं। अच्छा हाँ, चलिए वापस, पृथ्वियां कितनी होती है? आठ, ऊपर अधोलोक में सात, अधोलोक में एक, अधोलोक में सात, सात नरक, टोटल पृथ्वी होती है आठ, ऊपर एक कहाँ है, सात ये है और आठ भी यहाँ होती है, जो तीन लोग, ये जो त्रस नाली है ना यहाँ पे होती है आठवीं पृथ्वी सबसे ऊपर। टोटल कितनी पृथ्वी है? आठ, ये सात के नाम थे और आठवीं का नाम मत लिखिएगा, ईशक प्राग भार, चार्ट में से देख के बाद में लिख लीजिए, लिखना है तो समझ में तो आ ही जाए वैसे। ईशत प्राकार, इस प्रकार ये कितनी पृथ्वियां होती है? आठ पृथ्वियां होती है टोटल। इस तीन लोक में कितनी पृथ्वी? तीन लोक में कितनी पृथ्वियां? अभी भी आधे सो रहे हैं। तीन लोक में कितनी पृथ्वियां? आठ, सात नरक पृथ्वी और आठवीं सबसे ऊपर, तीन लोक के ऊपर जो पृथ्वी है ईशत प्राकार पृथ्वी। चलिए नरक पे आते हैं, नरक कितने? नरक कितने? सात। बोलिए, नाम बोलिए कोई, वो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो नरक पृथ्वियां हैं, वो नरक नहीं है। नरक के नाम बोलिए, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी, पांचवी, छठी, हाँ बोलिए, मार्गी, सातवा, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, अब आप लड़की का बोलिए, किसी का बोलिए, मघवी और माघवी, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, इस प्रकार ये सात नरक हैं, ये सात नरक हैं, और ये जो है वो नरक पृथ्वियां हैं, ठीक है? क्योंकि हमेशा कोई भी पूछता है ना, और पूछने वाले भी, क्वेश्चन करने वाले भी वही चीज का माइंड में रख के क्वेश्चन करते हैं, ये सात को हमेशा हम नरक मान लेते हैं, वास्तव में ये सात नरक है और ये सात नरक पृथ्वियां हैं। चलिए टाइम होता जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? सिद्ध शिला। ये क्या है? सिद्ध शिला।
नीचे अभी तक समझ में आया? ये सात नरक पृथ्वियां हैं, ये सात नरक हैं, इनके चारों साइड वलय है अर्थात वायु जो वलय का घेरा है, और जो निगोद जो बोला जाता है वो सबसे जो वलय है वलय के अंदर पाया जाता है, बादल निगोद जो है वो वलय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये ऊपर अपन आए, ये क्या है? सोलह स्वर। चार्ट में ये तो बनाए लीजिए, चार्ट ही नहीं बनाया। ये क्या है? सोलह सर, सोदर मिशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता कापिश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार आनंद प्राण तो अरण और अच्युत। नाम पे मत जाइए ना, उसमें से लिख के लिख लीजिएगा। सॉरी, बारह का है। सोदर ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता कापिश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार आनंद प्राण अरण अच्युत। सोलह स्वर होते हैं। ठीक है, सोलह स्वर के ऊपर ये आप इसमें देख सकते हैं कि आपको स्वर इसमें बताया है, ये जो इसमें डिवीजन किया है ना, यहाँ पे इसके नाम दिए हैं, सौधर ईशान सनत कुमार महेंद्र इसमें अंदर की साइड में आएगा, और उसके ऊपर इसके ऊपर इन सोलह स्वर्गों के ऊपर नव ग्रहविक नव अनुदिश और ये जो है ये पांच अनुत्तर विमान। नव ग्रहविक, देखिए ग्रहविक कैसा है उसमें भी आप देखेंगे, ग्रहविक एक के ऊपर एक है, ग्रहविक एक के ऊपर एक करके नौ है। ग्रहविक मतलब एक टाइप के देवों के रहने का स्थान है, इसे ग्रहविक बोलते हैं। अनुदिश, अनुदिश कैसा है देखिए, उसमें राउंड बना हुआ है, एट पॉइंट्स एंड सेंटर ऑफ वन पॉइंट्स की चार दिशा में है, चार दिशा में है और एक सेंटर में है। इसमें आप देखिए अनुदिश, ये जो बीच वाला ये दिख रहा है, आठ राउंड और एक सेंटर में, मतलब चार दिशा में है, चार दिशा में है और एक सेंटर में, ऐसे करके नौ अनुदिश। और उसके बाद में पांच अनुत्तर, वो भी सेम चार दिशा में और एक सेंटर में, पांच अनुत्तर विमान। उसके ऊपर ये जो लाइन है वो वात वलय की लाइन है। ठीक है, अब ये त्रस नाली के ऊपर इधर आते हैं, ये नौ ग्रहविक आपको और क्लियर यहाँ पे दिखाई देंगे, एक दो तीन चार ऐसे करके जो नौ लाइन बनाई है वो नौ ग्रहविक है, उसके ऊपर पांच नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमान है। अब इसके बाद ये क्या है? सिद्ध शिला। कितना विस्तार है? 45 लाख योजन। उस सिद्ध शिला के ऊपर ये जो सिद्ध शिला बताई, मतलब ये प्रश्न आ गया, अगर अपन सेंटर में बनाएंगे तो सिद्ध शिला यहाँ पे आएगी। ये सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है, और उसके ऊपर जो जो वलय है उसके अंदर सिद्ध भगवान रहते हैं, मतलब सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान नहीं रहते हैं, सिद्ध शिला के ऊपर जो वलय है, जो वायु का घेरा है उसके अंदर वास्तव में, देखिए उसमें दिखेगा आपको, उस सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान नहीं है, उसके ऊपर जो वलय है उसके अंदर वास्तव में सिद्ध भगवान रहते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है कि सिद्ध शिला? क्योंकि देखने पे जैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सिद्धों का प्रतीक के रूप में सिद्ध शिला, और सिद्ध उसके जस्ट ऊपर रहते हैं, तो वलयों का कथन नहीं आता है, मुख्य रूप से यही आता है कि कोई भी सामान्य जीव अगर ऐसे देखे तो वो सिद्ध उर्द के हिसाब से सिद्ध शिला में दिखाई देंगे, लेकिन स्थान की अपेक्षा अगर कथन किया जाए तो सिद्ध शिला के भी ऊपर जो वलय का घेरा है उसके अंदर वो स्थित रहते हैं। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, अधर होते हैं तो वायु में रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव मतलब उनका स्थान वही सिद्ध शिला के ऊपर, देखिए अगर सर टच होते हैं कभी भी नीचे का टच नहीं होता, अगर नीचे का टच हो तो अपन बोल सकते हैं वो सिद्ध शिला में रहते हैं, लेकिन ऊपर का स्थान जो टच होता है ना, तो सिद्ध शिला के ऊपर क्या है? वलय है, तो वो उनका सर जो है पूरे वलय पे टच करता है। ठीक, चलिए हाँ, अब इसमें थोड़ा सा हम अपना मध्य लोक के बारे में आ जाते हैं, वैसे टाइम अपना हो गया है, ये बीच में क्या है? मध्यलोक। हाँ, अब किसने पूछा था कि हम कहाँ रहते हैं? आपने पूछा था, ये जो इतना बड़ा डायग्राम था ना उसमें ये एक पतली सी लाइन,
ठीक है, उस पतली सी लाइन को अगर अपन इतना भी बड़ा करें तो इस लाइन में नहीं, इतना डॉट क्या हुआ, ढाई दीप, इतना डॉट क्या हुआ, ढाई दीप, पर अपन आर्य क्षेत्र क्या हुआ, ये आर्य क्षेत्र अपन तो दिखेंगे पर अगर वास्तव में देखा जाए इस हॉल को अगर तीन लोग माना जाए, इस हॉल को अगर तीन लोग माना जाए तो वास्तव में अपन एक पिन जो ताशनी होती ना, ताशनी के ऊपर की पॉइंट जितना भी अपन अपने को इस तीन लोग में ढूंढ नहीं पाएंगे, तो इतना अपन अंदर रहते हैं। देखिए वास्तव में मध्य लोग के लिए तो एक अलग ही क्लास लगनी चाहिए जिसमें अपन पूरा मध्य लोग को समझ सके। अभी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अपना चैप्टर है विश्व का स्वरूप, तो वास्तव में जो अपने अर्लियर क्लास में सोमित भाई ने जो बताया था कि वास्तव में विश्व की जो अपन ने पांच छह थ्योरियां देखी थी, कि उस थ्योरी के बाद हमने ये नक्की किया था कि विश्व ऐसा है। उस क्लास में हमने क्या नक्की किया था कि वास्तव में सिद्ध भगवान ने जो विश्व बताया है वास्तव में विश्व वैसा है, और आज हमने ये देखा कि वो जो विश्व हमने बताया है वो विश्व का डिविजन कैसा है, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक में क्या है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हम सब हमने नॉर्मली बेसिक रूप में देखी है। डिटेल में अगर आप जानना चाहो रेफरेंस में आपको उज्ज्वलाबेन की जैन भूगोल है, त्रिलोक सार है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो आपका होमवर्क भी है कि आपको इस तीन लोक के चित्र को थ्री डायमेंशन के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट जितना इतना आपको समझाया है और ज्यादा जितना आप उसके अंदर डाल सकते हैं वो डाल के आप इस तीन लोक को समझाएं, तो आपको और ये चार्ट आपको आपके हो मतलब सबमिशन के बाद ये चार्ट आपको मेल कर दिया जाएगा, आप अपनी गलतियां इसके अंदर ढूंढ पाएंगे। ये थ्री डायमेंशन का चार्ट है, इसके अंदर अपन ने आज ये देखा कि वास्तव में प्रश्नाली क्या है, इस तीन लोक का आकार जो धर्मस्थिका धर्मस्थिका के कारण जो बना है, और इसके बाहर संपूर्ण जो अलोकाकाश है, इसमें सात नरक पृथ्वियां जो येलो में है, और ये जो बीच में है ये सात नरक है, उसके ऊपर मध्यलोक है, ये पांच मेरु दिखाए हैं, मध्यलोक में ये जो ढाई द्वीप है इसमें पांच मेरु दिखाए हैं, पांच मेरु के ऊपर ये सोलह स्वर्ग है, सोलह स्वर्ग के ऊपर नौ ग्रह, नौ अनुदेश, पांच अंतरिक्ष, सिद्ध शिला और सिद्ध भगवान है। इस प्रकार ये तीन लोक है, और इस तीन लोक में हम जीव द्रव्य इस तीन लोक के अंदर रहते हैं। तो हमारा स्वरूप आगे हम अभी विश्व का स्वरूप आया, विश्व के बाद द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय के बाद हमारा द्रव्य मतलब इस चैप्टर के बाद हम वास्तव में अपने स्वरूप के ऊपर पहुंचेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये है कि हम अपने स्वरूप को जानने से पहले अपने स्थान को जान रहे हैं कि वास्तव में हम कहाँ रह रहे हैं, हम किस किस गतियों में जा सकते हैं, उस गतियों में क्या क्या फल हमें मिल सकता है, और हम किस प्रकार अपने स्वभाव को जानकर इस लोक के सबसे ऊर्ध्व में जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, जहाँ जो एक सादी अनंत काल तक की जो एक दशा है वो दशा हम कैसे प्राप्त करें, ये सब इस चैप्टर का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो हम आगे देखेंगे। कोई डाउट अभी हो तो नेक्स्ट क्लास में भी अपन चलेंगे, आज का टाइम हो चुका, एक मिनट। अच्छा, देयर इज अ सजेशन के होमवर्क छे इज स्लाइटली इन्वॉल्वड छे, એટલે डू यू वांट टू डू इट इन ग्रुप्स के इंडिविजुअल કન્ડિશન તમારે છે ને આવા પેજ પર ડાયગ્રામ નથી બનાવવાનો, આઈ વોન્ટ પ્રોપર એટલીસ્ટ હાફ ઇમ્પિરિયલ અથવા તો મોટી ફોર ઇમ્પિરિયલ ઇઝ ઇવન બેટર, અને સમ્યક તારી પાસે તો એટલીસ્ટ ફૂલ ઇમ્પિરિયલ એક્સપેક્ટ કરું, એટલે હી ઇઝ ફ્રોમ આર્કિટેક્ટ એટલે હી મસ્ટ ડ્રો વેરી ગુડ ડ્રોઈંગ, અને એવરીવન કેન ચેઝ એન્ડ ડાઉટ નથી. અચ્છા, કોઈને કઈ ડાઉટ્સ આજના ક્લાસમાં? ચાલો આપણે જીનવાણી સ્તુતિ બોલીને ફિનિશ કરીએ. હે જીનવાણી ભારતી તો હે જપો જિન રે, જો તેરા શરણાગ્રહે સો પાવે સુખ ચેન, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोमाई मस्तक लमो सदा देत हूँ दो, बोले जिनवाणी मात्र।